कार्तिक मास के व्रत करने वालों को चाहिए कि वह इसके उद्यापन को कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन करें। तुलसी केले के खंभे को लगाकर बढ़िया मंडप बनाए जिसमें चार दरवाजे हों। उस मंडप को सुंदर बंदनवारों, पुष्पों आदि लताओं से सुसज्जित करें। चारों दरवाजों पर मिट्टी के चार द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय को पूर्वादि क्रम से स्थापित करें। उनका पूजन भी करें। मंडप में सर्वतोभद्र मंडल की रचना करें। मंडल पर पंचरत्न से युक्त सुंदर कलश की स्थापना करके उस कलश के ऊपर नारियल को रख दें। नारियल पर भगवती महालक्ष्मी के साथ चतुर्भुज भगवान नारायण की मूर्ति की स्थापना करके उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान हरि शयन से उठ जाते हैं। द्वादशी को उनकी पूजा होती है, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया तथा चतुर्दशी को सभी देवताओं ने मिलकर उनका पूजन किया। इसलिए उद्यापन को चतुर्दशी तिथि को ही लेना चाहिए। लक्ष्मी के सहित श्री भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को सुवर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए। नाना प्रकार के भक्ष और भोज पदार्थों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण का अति महत्व होता है। जागरण में जो लोग भजन कीर्तन करते हैं वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वह 1000 गोदान का फल पाते हैं। लेकिन जो बजाने के साथ गाते भी हैं और व्रत भी रखते हैं उनके पुण्य की बात क्या कही जाए। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार हवन आदि करके 1 या 30 सपत्निक ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए। पूर्णिमा को किया गया हवन दान पुण्य अक्षय होता है, अर्थात उसका क्षय नहीं होता, यह निधि बन जाता है। कर्म के रूप में इसका कभी भी क्षय नहीं होता। ब्राह्मणों को इस दिन बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाना चाहिए, पायस खिलाना चाहिए। फिर आचार्य सहित ब्राह्मणों को यथाशक्त दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु को, महालक्ष्मी को, तुलसी और देवगणों की पुनः उत्तर पूजा करके गाय की यथाविधि पूजन करके आचार्य के निर्देशानुसार उस गाय का गोदान करना चाहिए। सपत्नीक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें वस्त्र आभूषण प्रदान करना चाहिए। अंत में सभी ब्राह्मणों और वृद्धजनों से प्रार्थना करना चाहिए कि हे विप्रवरों, मेरे गत जन्मों में अर्जित जो पाप कर्म हैं वह इस व्रत के सुप्रभाव से नष्ट हो जाएं, मेरे शुभ मनोरथ पूर्ण हो जाएं, इस देह का अंत होने पर मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार व्रत समाप्त कर आवाहित देवताओं का विसर्जन करके स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर देना चाहिए। फिर उसके पश्चात अपने इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों के सहित स्वयं यजमान भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से इसका उद्यापन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के पूजन के साथ साथ गणेश, लक्ष्मी, दीपक तथा ग्रह इत्यादि की भी पूजा करनी चाहिए। असंख्यात रुद्रों की भी पूजा करनी चाहिए। समस्त पूजा वैदिक विधि विधान से करनी चाहिए। जो इसको कराने वाले सक्षम ब्राह्मण हों उन्हें अवश्य आमंत्रित करना चाहिए, उनका वरण करके उनके द्वारा पूजन संपन्न करवाना चाहिए। इस तरह से करने पर कार्तिक व्रत के समस्त पुण्य प्राप्त होते हैं और इस जन्म में समस्त पुण्य ऐश्वर्य का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आशा है कार्तिक मास उद्यापन की विधि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।